ओम शांति। आज की शिक्षा प्रद कहानी का शीर्षक है मनुष्य और भाग्य। कहते हैं एक व्यक्ति था, वो बहुत परेशान रहता था। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई न कोई समस्या रहती थी। कभी घर की समस्या, कभी नौकरी में समस्या। एक काम करने जाता था तो दूसरा बिगड़ जाता था, दूसरा करता था तो तीसरा बिगड़ जाता था। इतना परेशान हो गया कि मैं क्या करूं? आखिर तंग होकर के उसने एक बार अपना जीव घात करने का प्रयास किया, परंतु किस्मत ऐसी कि वो उसमें भी बच गया। और जो भी उनके संबंधी थे वो उसको कोसने लगे कि आप ये क्या करते हो। आखिर उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं ये शहर छोड़कर के चला जाऊं, कोई दूसरे स्थान पर जाऊं, शायद मेरी समस्या का हल हो जाए। ऐसा सोचकर उसने सारी बाहर जाने की तैयारी की, परिवार को भी तैयार किया। जैसे ही वो बाहर जाने लगा तो दरवाजे के बाहर एक महिला दोनों हाथ फैला करके खड़ी हो गई। तो मनुष्य ने उस व्यक्ति ने उस महिला को पूछा कि तुम कौन हो, तुम क्या चाहती हो? तो उसने कहा मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ। तो बोला मेरा साथ क्या करोगी? बोला जहाँ तुम जाएगा वहाँ मैं चलूंगी। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप कौन हो, आपकी पहचान क्या है? तो महिला ने कहा कि मैं तुम्हारी किस्मत हूँ, मैं तुम्हारा भाग्य हूँ, इसलिए मैं जहाँ तुम जाओगे वहाँ चलने ही वाली हूँ। तब उसको एहसास हुआ कि अगर ये भाग्य ये किस्मत मेरा जहाँ भी मैं जाऊंगा वहाँ चलने वाला है, तो क्यों नहीं यहीं रह करके मैं अपने भाग्य को मेहनत से परिवर्तन करने का फिर से प्रयास करूं। फिर उसने दृढ़ निश्चय करके उमंग और उत्साह के साथ फिर से जीवन में मेहनत करना आरंभ किया, और देखते ही देखते उसकी मेहनत रंग लाई और उसका भाग्य बदलने लगा। और एक दिन वो बहुत अच्छे स्थान पर, बहुत अच्छे पोस्ट पर और बहुत अच्छी कंडीशन में आ गया। कहानी से हमें ये बोध मिलता है कि आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो जन्म से लेके मृत्यु तक हम कर्म करते हैं, और जैसे हम कर्म पूरे जीवन में करते हैं उस अनुसार हमारा भाग्य बनता है, और वो भाग्य हमें फिर आगे के जन्म में हमारे साथ रहता है। इसलिए हमेशा हम अच्छे कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें, पुण्य के कर्म करें, ताकि हमारा हमेशा भाग्य उज्जवल ही रहे। ओम शांति।